अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे बायोडाटा कैसे बनाएं एमएस वर्ड के अंदर, और उसको सेटिंग कैसे करें, उसके अंदर फ़ोटो कैसे ऐड करें, सिग्नेचर लाइन कैसे बनाएं, इन सब के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको टाइप कर लीजिए एमएस वर्ड के अंदर, विन वर्ड के अंदर आप लोग इसको टाइप कर लीजिए। उसके बाद खोल लीजिए विन वर्ड को, देख लीजिए आप लोग, मैंने टाइप कर रखा है, नॉर्मल तरीके से टाइप कर दिया है। आप लोग भी इस तरीके से नॉर्मल तरीके से टाइप कर लीजिए उसको। अब हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है ये चीज़ हमने सबसे पहले सेट करना है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम और बीच में कर देंगे, और इसकी साइज़ जो है यहाँ पर हम कर देंगे 26 पे, और बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ हमने नेम लिख देना है और यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे टैब मार देना है। यहाँ पे हम सेट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करके ये फादर्स नेम लिख के इसको भी टैब मार देना है इस तरीके से। डेट ऑफ बर्थ लिख के इसको भी हम टैब मार देंगे। कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग सेट कर लीजिए इन सबको। उसके बाद क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक पूरा, और यहाँ चले जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ क्लिक कर देना है, जो है पहला वर्ड है वो बड़ा हो जाएगा सब ऑटोमेटिक। ठीक है, इस तरीके से हमने सेट कर लेना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है फिर से यहाँ पे, और इसको क्लिक करके थोड़ा सा आगे कर देना है यहाँ पे, इतना थोड़ा सा आगे हमें रखना है, इतना पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेट कर लेना है टाइप से कुछ इस तरीके से। अब हमारा जो है वर्ड जो पूरा सेट हो चुका है, यहाँ क्लिक करेंगे, एंटर मार देंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और लाइन के स्पेस जो है वो कम कर लेंगे, इतना पे कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको बोल्ड कर देंगे, और इसको हम कर देंगे यहाँ 16 पे कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी लाइन के स्पेस कम कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम बुलेट लगा देंगे। यहाँ चले जाएँगे, यहाँ पर हम बुलेट ये वाला लगा देंगे, और इसकी साइज़ जो है हम बड़ा कर देंगे। इसको हम कर देंगे यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं 13 पे। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम 16 कर देते हैं, और बोल्ड और अंडरलाइन दोनों ही कर देते हैं। इसको भी बोल्ड और अंडरलाइन दोनों ही कर देते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ सेट करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हम देख लेंगे एक बारी, और इसकी जो साइज है, इनकी साइज जो है इनको भी हम बढ़ा देंगे, यहाँ 13 कर देंगे। उसके बाद इसको भी हम करेंगे सिलेक्ट, और बोल्ड अंडरलाइन दोनों ही करेंगे, और इसकी साइज जो है 16 कर देंगे कुछ इस तरीके से। एक बार हम चेक कर लेंगे, यहाँ हमने कुछ इस तरीके से सेट करना है, यहाँ से स्टार्ट करनी, तो यहाँ क्लिक करके हम टैब मार देंगे, इतना पे यहाँ क्लिक करके टैब मार देंगे, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ चले जाएंगे एरो पे, और इसके सामने हम रख देंगे, इसके सामने यहाँ पे, बस इतना पे ये हो जाएगा सेट। अब हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, लाइन की स्पेस कम कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अब ये हो गया, हमारा एक पेज पर आ गया, देख सकते हैं आप लोग। अब हमें यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पे कम कर देना है इस तरीके से, थोड़ा ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें बॉर्डर लगानी है, यहाँ जाएंगे पेज लेआउट में, और यहाँ चले जाएंगे पेज बॉर्डर में, यहाँ पे बॉर्डर हम लगा देंगे, यहाँ से देख लेंगे बॉर्डर, हमें ये वाली लगानी है, ये लगा दिए। अब हमें यहाँ फोटो लगानी है, यहाँ जाएंगे इंसर्ट के अंदर, यहाँ चले जाएंगे हम सेव में, और यहाँ चले जाएंगे ये वाला टूल ले लेंगे, और यहाँ ड्रॉ कर देंगे इतना पे, यहाँ हमें फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे मैं यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ चले जाएंगे फॉर्मेट पे, ड्राइंग टूल फॉर्मेट, और यहाँ चले जाएंगे सेव फील्ड पे, और जाएंगे हम पिक्चर में। उसके बाद हम अपना पिक्चर ढूंढ लेंगे, जहाँ आप लोग पिक्चर रखे होंगे आप लोग ढूंढ लीजिए। हमने पिक्चर ले लिया, यहाँ इंसर्ट कर दिया, अब पिक्चर हमारा खुद ब खुद यहाँ इंसर्ट हो गया, थोड़ा सा खींच देंगे इधर नीचे, बस हमारा पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे रह गया है वो सिग्नेचर लाइन लगानी, ये वाला हम लगाएंगे, यहाँ चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर,
और यहाँ जाएंगे हम सिग्नेचर लाइन, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नाम लिख देंगे जिसका सिग्नेचर चाहिए उसका। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से एक आएगा सिग्नेचर लाइन इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और चले जाना है पिक्चर टूल पे, यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करना है। और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग, यहाँ क्लिक करेंगे और थ्रू कर देंगे। फिर यहीं जाएंगे वापस और इनटू फ्रंट टेक्स्ट कर देंगे, यहाँ इनटू फ्रंट टेक्स्ट, इसको क्लिक करके इसको मूव करेंगे नीचे की तरफ इस तरीके से। और हमें जहाँ लगानी है सिग्नेचर लाइन वहाँ हम लगा देंगे कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं आप लोग हमारा बायोडाटा जो है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप लोग बायोडाटा अपना रेडी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला पेज लेकर आएंगे। इस वीडियो में जो कुछ बताया आपको अच्छा से समझ आई हो, धन्यवाद।